अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार कुकिंग। और आज हम बना रहे हैं रवा इडली। तो देखिए, इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल। इस बाउल के अंदर हम डालेंगे रवा, और ये मैंने लिया है एक छोटा बाउल, छोटा वाला प्याला, कटोरा, जो भी आप बोल लो इसको, तो ये लिया है। और अभी मैं इसी के माप से दो कटोरा मैं ना सूजी लूँगी। तो देखिए, ये मैं, और ये बारीक वाला सूजी है। अगर आप लोगों के यहाँ बारीक सूजी ना मिलता हो तो आप मिक्सी में पीस कर उसे बारीक कर सकते हो। तो देखिए, ये बारीक वाला सूजी मैंने लिया है। तो ये करीब मैं दो, ये जो कटोरा है ये दो भर के मैंने लिया है, ये सूजी ले ली है। ये देख सकते हो कितनी बारीक सूजी है मेरे पास। तो अभी मैं लूँगी दही। तो जिस कटोरे से हमने सूजी को लिया था उसी कटोरा भर के मैं एक कटोरा मैंने दही लिया है, ये देख सकते हो। और इसके अंदर मैंने अभी एक कटोरा भर के पानी डालकर दही को अच्छे से इसके साथ फेंट लिया था मैंने, ये देख सकते हो। मतलब एक छाछ बना लेनी है हमें, बटर मिल्क जिसको कहते हैं वो। तो अभी इसके साथ मैं इसे मिक्स कर लूँगी। तो टोटल इसके अंदर आपको दो प्याले जितो मैंने दो कटोरा भर जो सूजी लिया था उसी से। तो अभी देखिए, मैंने सिर्फ एक ही प्याला पानी डाला है। तो अभी मैं इसमें एक और प्याला भर के पानी ऐड कर दूंगी। तो जिसमें दही मैंने डाल के जिसकी छाछ बनाई थी उसी पानी से, उसी में लिया है मैंने पानी, और उसी से अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ये देख सकते हो आप लोग। तो इसे हमें एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा थिक नहीं। तो ये देख सकते हो, बस ऐसा ही चाहिए। अभी इसको मैं ना 10 मिनट के लिए साइड पर ढक के रख देंगे, जब तक कि हम ना इसके साथ खाने वाली चटनी मैं आपको बताती हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए, मैंने जार लिया है। तो अभी इसके अंदर ना मैं ये खोपरा मैंने डाल दिया है, और इसकी स्किन भी निकाल ली थी। और ये देखिए, दो हरी मिर्च, और ये मैंने 3 से 4 लहसुन की कलियां डाल दी है, थोड़ा सा रोस्टेड चना डाला है, और ये मैंने थोड़ी इसके अंदर कोतमीर, पुदीना, और अभी मैं इसके अंदर मैं इसमें नींबू डाल दूँगी। तो ये नींबू क्यूब्स है मेरे पास, ये देख सकते हो आप लोग ने। तो आप, अगर आपको पता हो कि ये किस तरीके से बनता है, नहीं पता है तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। और ये अभी मैं टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और आप मिर्ची भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं इसे एकदम बारीक पेस्ट बना लूँगी। तो देखिए, मैंने इसको पीस लिया है, और आप इसको पतला या ठीक जितना आप रखना चाहें। तो देखिए, थोड़ा ठीक मुझे लग रहा है, तो मैं इसको पहले मैं एक बाउल में खाली कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें मैं ना पानी डाल के, जो ये जार है ना, इसी जार में हम पानी डाल लेंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा चटनी इसके अंदर लगी हुई है तो वो पानी की मदद से निकल के वो भी बाहर आ जाएगी। ये देखिए, तो चटनी देख सकते हो, ये देखिए चटनी रेडी हो चुकी है। और अभी चटनी का एक तड़का तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मैंने तड़के के लिए यहाँ एक पैन रख दिया छोटा, और अभी इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब राई, यानी कि सरसों। तो सरसों को अच्छे से चटकने देंगे, देख सकते हो। तो ये चटनी ना इडली, या आप चाहो तो इसको वड़े के साथ, या फिर पकौड़ों के साथ, ये सब चीज़ों के साथ भी ये चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए, तो ये अभी राई जो है वो चटक गई है। तभी इसके अंदर मैं ना कड़ी पत्ता ऐड कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 कड़ी पत्ता लिया है, ये देख सकते हो। जैसे ही कड़ी पत्ता इसमें चटकने लगेगा तो फौरन चटनी के अंदर एक तड़का लगा देंगे। तो ये देख सकते हो, तो चटनी कितनी अच्छी दिख रही है, और ये खाने में भी बहुत अच्छी है। ज़रूरी नहीं है इडली और डोसे के साथ ही इसको खाया जाता है, इसे आप हर एक स्नैक के साथ खा सकते हो, जो भी। ये देखिए इसकी थिकनेस, तो देखिए बस मुझे ऐसे ही चाहिए। ये देखिए, तो चटनी रेडी हो चुकी है, और हमने जो बैटर को प्रेस करने रखा था, तो अभी ये मैं बैटर ले लेती हूँ, ये देखिए। और मैं आपको बिना इनो के और बिना बेकिंग पाउडर वाली इडली आज बनाना बता रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से। जो इनो वाला बैटर होता है ना, उसको फौरन ही हमें पका लेना होता है, फौरन ही उसको स्ट्रीमर में डाल देना होता है। लेकिन ये इस तरीके से जो मैं बता रही हूँ ना आपको,
ये आप बहुत ही मतलब आप इसको रख कर भी बना सकते हो, 10 से 15 मिनट के बाद भी बना सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बस आपने इनो डाला और फौरन उतना बैटर को आपको पूरे को ही पकाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देख सकते हो ये बैटर थोड़ा मुझे ठीक लग रहा था, तो इसी चम्मच की मदद से मैंने 1 चम्मच इसमें पानी डाल के इसको इस तरीके से कर लिया। और ये नमक तो 1 चम्मच के करीब मैंने नमक डाली। अगर आपकी दही खट्टी है तो नमक आप कम भी डाल सकते हो या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये देखिए, तो ये मैं डाल रही हूँ खाता सोडा। हाँ, ये खाता सोडा है जो हम जैसे कि भजिया बनाते हैं, वड़ा बनाते हैं, जो भी हम फ्राई करते हैं उसके अंदर ये डाला जाता है, तो वही वाला इस सोडा मैं ले रही हूँ। मीठा सोडा भी इसको बहुत से लोग बोलते हैं। तो इस सोडे के साथ हमें ना इसको अच्छे से मिक्स करना है। और देखिए, सोडा आपका एक्टिव होना चाहिए, बहुत पुराना सोडा इस्तेमाल ना करें वरना आपकी इडली सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो ये देख सकते हो मैंने जिसमें सोडा डाला था तो ये थोड़ा फ्लफी सा हो गया है। और मेरे पास में ना ये इडली स्टैंड है, ये देखिए। तो अभी मैं इसके ऊपर ऑयल लगा दूँगी, ये देखिए। तो अभी मैं ना इसके ऊपर ऑयल लगा कर यहाँ पर मैंने इसका जो कुकर है वो भी गरम करने रख दिया है पानी डालकर। तो पानी भी मैंने गरम कर लिया है फटाफट से, ये देखिए। अभी दोनों को हम ऑयल लगा के आप अपने हिसाब से, ये देखिए, ये मैं इसी चम्मच के हिसाब से ये ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इडली, तो इडली का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो ये देखिए, तो मैं थोड़ी बड़ी इडली बना रही हूँ, आप छोटी भी बना सकते हो। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी, और इसमें कोई झंझट नहीं है इनो डालने का या बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डालने का। बस आपको खाता सोडे से ही ये रेडी हो जाएगी। तो देखिए, ये मेरा स्ट्रीमर तैयार हो चुका है। देखिए, पानी अंदर गर्म हो गया है। तो अभी मैं इसके अंदर ये इडली स्टैंड इसके अंदर रख दूँगी, ये देखिए, बस ऐसे ही। और इसको 10 मिनट तक के हम स्ट्रीम करेंगे, 10 से 12 मिनट भी लग सकते हैं। और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है, बहुत कम भी नहीं और बहुत फुल भी नहीं रखनी है हमें। तो ये देखिए, अभी मैं इसे 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और ये देखिए, तो ये इडली देख सकते हो फुल कर डबल हो चुकी है, माशाल्लाह। ये देखिए आप लोगों ने, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके अंदर चाकू या टूथपिक की मदद से भी इसको चेक कर सकते हो, लेकिन मेरी परफेक्ट है, हो चुकी है। तो अभी मैं इसको बाहर निकाल लूँगी, ये देखिए, ये चारों भी, ये देखिए। तो अभी मैं इसको, मैंने पूरी तरीके से ठंडा कर लिया है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है ये। और अब मैं एक चम्मच की मदद से, आप कभी भी ना छुरी की मदद से इडली को ना निकालें क्योंकि वो पीछे की तरफ से फटने लगती है, टूटने लगती है। ये देखिए, आप इस तरीके की चम्मच से निकालोगे ना तो ये देखिए पीछे से भी इडली एकदम अच्छी निकलेगी, साफ़ सुथरी। तो देखिए, और बिल्कुल भी स्टैंड पे चिपकी नहीं है क्योंकि हमने स्टैंड पे तेल लगाया था। बहुत से लोग कपड़ा लगा के भी स्ट्रीम करते हैं, लेकिन ये देखिए, और ये जो आपको एयर बबल दिख रहा है इसके अंदर, ये देखिए, और कितनी सॉफ्ट बनी है, ये देखिए। ये एयर बबल आना बहुत ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि इडली कितनी सॉफ्ट है और ये कितनी स्पॉन्जी बनी हुई है। ये देखिए, तो अभी मैं सभी को निकाल लेती हूँ। तो मैंने सब निकाल ली है इडली, भी मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हो आप लोग कितने सॉफ्ट और कितनी अच्छी इडली बनी है। तो जिस किसी ने भी मेरे चैनल को अभी तक के लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये प्लेट मैंने ली है और अब इस प्लेट में मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। और मैंने सांभर मेरे पास था, मैंने बनाया था, तो वही सांभर मैंने यूज़ किया है अभी। तो अगर आप लोग सांभर की रेसिपी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वैसे मैंने इससे पहले वाली जो डोसे की रेसिपी डाली थी उसके अंदर मैंने सांभर बनाने का तरीका बताया है, तो उस वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। और ये सांभर जो है मैंने एकदम सिंपल तरीके से एकदम झटपटली बन जाने वाला सांभर है ये, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनता है। आपको इसमें कोई सब्ज़ियाँ वगैरह डालने का भी झंझट नहीं है, बस फटाफट से आपने इसको सिंपल तरीके से एक सांभर तैयार कर लेना है। तो ये सांभर की रेसिपी अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
और मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये रेसिपी कैसी लगी, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आप लोग, अगर आप लोग ये सांभर की रेसिपी देखना चाहते हैं तो इसके बारे में भी मुझे बताइए कमेंट करके। तो फिर इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो सांभर की ज़रूर आप लोग के लिए, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए बस, तो सांभर भी रेडी है, चटनी भी रेडी है और इडली भी रेडी है। तो इन्जॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में।